ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, हमें ए माइनस वन बाई ए निकालना है, ए माइनस वन बाई ए, तो ए का वैल्यू है रूट टू प्लस वन, और माइनस वन बाई ए का वैल्यू रूट टू, वन बाई रूट टू प्लस वन होगा। यहाँ देखिए रूट टू प्लस वन माइनस वन बाई रूट टू प्लस वन इंटू कर देते हैं रूट टू माइनस वन से न्यूमरेटर में और यहाँ डिनोमेटर में भी, तो ये रूट टू प्लस वन ऊपर हो जाएगा रूट टू माइनस वन बाई में रूट टू का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, प्लस माइनस में तो स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर लगा दिया हमने, रूट टू प्लस वन माइनस रूट टू माइनस वन बाई में नीचे टू माइनस वन, नीचे वन होगा कोई दिक्कत नहीं है, रूट टू प्लस वन ब्रैकेट रहता है रूट टू माइनस का और यहाँ प्लस का वन हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा यहाँ पे टू आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। सेवन नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का वैल्यू, हमें वैल्यू निकालना है एक्स प्लस वन बाई एक्स का, तो एक्स का वैल्यू लिखते हैं टू प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू टू प्लस रूट थ्री। चलिए देखिए टू प्लस रूट थ्री और प्लस वन बाई टू प्लस रूट थ्री इंटू में इसका कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। टू प्लस रूट थ्री, वन से मल्टीप्लाई होगा टू माइनस रूट थ्री और नीचे प्लस माइनस में है तो इसलिए टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है, टू प्लस रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री बाई में फोर माइनस, नीचे तो वन हो जाएगा लिखने की जरूरत ना है, टू प्लस रूट थ्री प्लस का टू माइनस रूट थ्री ये इसे कट जाएगा, फोर इसका आंसर आ जाएगा, समझे। अच्छा क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्या कह रहा है, कैरेक्टराइजेशन फैक्टर ऑफ दिस, तो बस इसी का कंजुगेट यानी कि रूट फाइव प्लस टू कर देंगे या टू प्लस रूट फाइव कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर यही ना होगा ताकि इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले, रेशनल नंबर मिले। क्वेश्चन नंबर नाइन